हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज पर। हमें अक्सर जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो नास्तिक होते हैं और कहते हैं कि भगवान है कहाँ। ऐसी ही बात आज करने जा रहे हैं। एक आदमी हमेशा की तरह अपने बाल कटवाने के लिए एक नाई की दुकान पर गया। वो नगर में नया था तो उसे नहीं पता था कि ये कैसा नाई है, क्या करता है। बस बाल कटवाने के लिए, शेव करवाने के लिए वहां चला गया। बाल कटाते वक्त देश दुनिया की बातें हुआ करती थी। आज भी वे सिनेमा, राजनीति और खेल जगत के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक भगवान के अस्तित्व को लेकर बात शुरू होने लगी। नाई ने कहा, देखिए भैया, आपकी तरह मैं भगवान के अस्तित्व में यकीन नहीं रखता, मैं नहीं मानता कि भगवान है। तो उस आदमी ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो? अरे ये समझना बहुत आसान है, बस गली में जाइए और आप समझ जाएंगे कि भगवान नहीं। ये नाई ने कहा, आप ही बताइए कि अगर भगवान होते तो क्या इतने लोग बीमार होते, इतने बच्चे अनाथ होते? अगर भगवान होते तो किसी को कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होती। ये बात नाई ने बोलना जारी रखा। मैं ऐसे भगवान के बारे में नहीं सोच सकता जो इन सब चीज़ों को होने दे। आप ही बताइए, कहाँ है परमात्मा, कहाँ है भगवान? आदमी एक क्षण के लिए रुका, कुछ सोचा, पर बहस बढ़े ना इसलिए चुप ही रहा। अब नाई ने अपना काम ख़त्म किया और आदमी कुछ सोचते हुए दुकान से बाहर निकला और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उसे एक लंबी दाढ़ी मूछ वाले अधेड़ व्यक्ति उस तरफ आते दिखाई पड़े। उसे देखकर लगता था मानो वो कितने दिनों से नहाया धोया ना हो। आदमी तुरंत नाई की दुकान में वापस घुस गया और बोला, जानते हो इस दुनिया में नाई भी नहीं होते। भला कैसे नहीं होते हैं? नाई ने यह सवाल किया, मैं साक्षात तुम्हारे सामने, अभी मैंने तुम्हारी दाढ़ी और मूछे काटी, मैंने अभी तुम्हारे बाल काटे। तो दूसरे आदमी ने कहा, नहीं वो नहीं होते, वरना किसी की भी लंबी दाढ़ी मूछ नहीं होती। पर वो देखो सामने ऐसे आदमी खड़े हैं जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ मूछ हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नहाए ही नहीं। अरे नहीं भाई साहब, नाई होते हैं लेकिन बहुत से लोग हमारे पास नहीं आते, ये नाई ने बोला। तब उस व्यक्ति ने बोला, बिल्कुल सही। आदमी ने भाई को रोकते हुए कहा, यही तो बात है, भगवान भी होते हैं पर लोग उनके पास नहीं जाते और ना ही उन्हें खोजने का प्रयास करते, इसीलिए दुनिया में इतना दुख और दर्द है। भगवान को खोजने पर ही भगवान मिलेंगे, है तो वो हर जगह, किंतु भगवान की तरफ ध्यान जाएगा तभी तो उसे देख पाएंगे। परमात्मा तो सर्वव्यापी है, हर एक के साथ है। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।